नाउ बेटा रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज एक्सरसाइज 15B। देखिए क्वेश्चन 18 तक मैंने आपको बता दिया प्रीवियस वीडियो में। अब 19 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। 19 में क्या करना है आपको, प्रूव करना है, प्रूव दैट द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। आपका ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, प्रूव करना है। जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, लास्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था मैंने, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसका सेंटर और रेडियस सेम होता है। तो आपके पास गिवन इक्वेशन है सर्कल की, इसकी सेंटर और रेडियस निकाल लीजिए आप। If center and radius are same, then circle touches both the axis. तो जरा देख लेते हैं हम सेंटर निकालने के लिए। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो टू जी इक्वल टू माइनस टू ए, ए जी इक्वल टू ए माइनस ए, टू एफ इक्वल टू माइनस टू ए, एफ इक्वल टू ए सॉरी माइनस ए एंड सी इक्वल टू ए स्क्वायर। सो सेंटर आपका हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ ए कॉमा ए। एंड रेडियस आप फाइंड कर लें, रेडियस इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इट इज सॉरी प्लस ए स्क्वायर माइनस सी होती है ना, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये आपका जाएगा ए यूनिट्स। नाउ सी सेंटर एंड रेडियस आर सेम, सीन्स सेंटर एंड रेडियस आर सेम, देयरफॉर सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है बेटा, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल हुज रेडियस इज 10। आपको उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसकी रेडियस 10 है एंड इक्वेशन ऑफ टू ऑफ इट्स डायमीटर। देखिए सर्कल की इक्वेशन आपको बतानी है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 यूनिट्स। आपको सर्कल की इक्वेशन बताने के लिए अगर रेडियस और सेंटर आ जाता है तो आप आराम से उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो एंड यू हैव गिवन द टू डायमीटर्स, डायमीटर्स आपको पता है क्या होते हैं, ये डायमीटर्स की इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा। एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स और दूसरे डायमीटर की इक्वेशन है आपके पास एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर। इन दोनों डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायमीटर्स इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो यू हैव द सेंटर। आप अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपको सेंटर मिल जाएगा। सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो सर्कल की इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इट्स इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 में क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। आपको उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब ट्राइंगल के बाहर सर्कल है आपका, मतलब ट्राइंगल की तीनों वर्टाइजेस आपकी सर्कल पर है। नाउ सी यू हैव गिवन द वर्टाइजेस ऑफ All the three vertices of the triangle are on the circle and you have to find the equation of the circle. जिसमें आपको क्या दे रखा है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स। दूसरी इक्वेशन है आपके पास टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर एंड थर्ड इक्वेशन इज एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फाइव। क्या करें इसको, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले आप ट्राइंगल के वर्टाइजेस निकाल लीजिए जो कि सर्कल पर हैं। तो गिवन इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल की इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव सेकेंड इक्वेशन एंड टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर ये आपकी थर्ड इक्वेशन। बट आपको इक्वेशन का इन इक्वेशंस को सॉल्व कर करके वर्टाइजेस बताने हैं और वर्टाइजेस अगर आपके पास आ जाते हैं तो वो तीन पॉइंट्स होंगे जो सर्कल पर हैं, जिससे सर्कल पास कर रहा है। तो अगर तीन कोऑर्डिनेट्स, तीन पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां से सर्कल पास कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15-16 हमने किया था, 17-18 वैसे ही क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम वर्टाइजेस निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, ऑन यहाँ सॉल्व करके नहीं बताना है आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग वन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए फर्स्ट किसकी इक्वेशन है, ये आपकी है ए बी की और सेकेंड आपकी है ए सी की। तो ए बी और ए सी को सॉल्व करेंगे तो आपको ए मिलेगा। तो ए के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, आप रफ में सॉल्व कीजिएगा। ये एक्स कैंसिल तो माइनस वाई इक्वल्स टू वन, तो वाई इक्वल्स टू माइनस वन।
ये जाएगा माइनस वाई, माइनस वाई इक्वल्स टू वन, तो वाई इक्वल्स टू सॉरी वाई इक्वल्स टू माइनस वन आया है, और एक्स की वैल्यू मैं देखती हूँ क्या आएगी, सेवन, एक्स की वैल्यू सेवन, तो सेवन कॉमा माइनस वन ए आ गया। ऑन सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए सेकेंड कौन सी है आपकी ये, और थर्ड कौन सी है आपकी ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सी मिलेगा। तो देखिए सी निकालने के लिए आपको जो मेथड लगाना है आप लगाइए, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आपका सी फाइंड करने के लिए, टू एक्स टू एक्स कैंसल, ये हो जाएगा फोर वाई माइनस वाई वाई, फोर वाई माइनस वाई वाई हो जाएगा टेन माइनस फोर सिक्स, तो वाई आ रहा है सिक्स, फोर वाई माइनस वाई थ्री वाई, थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, वाई इक्वल्स टू टू, वाई की वैल्यू टू आई है तो फोर माइनस टू टू वन, तो वन कॉमा टू चेक कर लीजिएगा आप चाहें तो, वन रखेंगे तो टू प्लस टू फोर, और यहाँ रखेंगे तो वन प्लस फोर फाइव, सही है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, सेवन माइनस वन सिक्स, सेवन माइनस टू फाइव, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट और थर्ड को भी सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, मैंने ओरली किया है, आप ओरली मत कीजिएगा, आपको जैसे भी सॉल्व करना है आप रफ में सॉल्व करके लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व करके बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट आपकी क्या है ये है, और थर्ड आपकी ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी मिलेगा। देखते हैं सॉल्व करते हैं फर्स्ट और थर्ड को, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये कैंसल, और टू, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू टू, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, बी आया माइनस टू कॉमा माइनस टू, रखते हैं एक्स की जगह तो क्या मिलेगा, वेट अ मिनट, माइनस टू रखेंगे तो एक्स की जगह तो एट, वाई एट आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, माइनस टू कॉमा एट, माइनस टू प्लस एट सिक्स, और यहाँ भी चेक करिए तो माइनस फोर प्लस एट फोर, ठीक है, ये आपका ए बी सी आ गया। अब आपको इसमें प्रोसेस आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे हमने सॉल्व किया था सेम एस क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन रिमेनिंग सॉल्यूशन, बचा हुआ सॉल्यूशन आपका कैसा है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में प्रोसेस लगाई वही प्रोसेस से आप पूरा, तीनों वर्टाइजेस आपको दे रखी है यानी तीन पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ से सर्कल पास कर रहा है, तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इसको कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 इट्स एन ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है बेटा आपको, शो डेट द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशन बताती हूँ मैं, टू सर्कल्स टचेस ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों बता रही हूँ मैं आपको। इंटरनली कब वो एक दूसरे को टच करेंगे, देखो बेटा ये एक सर्कल और ये दो सर्कल एक दूसरे को कब टच करेंगे, ये टच कर रहे हैं, आपको इसकी कंडीशन बतानी है। तो देखिए जरा, ये मान लीजिए फर्स्ट सर्कल का सेंटर और ये सेकेंड सर्कल का सेंटर, तो जो सेंटर से डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों में डिस्टेंस, दोनों के सेंटर अगर आपके पास है, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो ये जो डिस्टेंस होगा C1 C2, ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा, R1 माइनस R2 के, बड़े वाले सर्कल की रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल की रेडियस कर लोगे तो आपको C1 C2 मिल जाएगा। और टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली कब टच करेंगे, देखिए ये भी बना लेती हूँ मैं आपको, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ये कब एक दूसरे को टच करेंगे एक्सटर्नली, ये पहले वाले का सेंटर, ये दूसरे वाले का सेंटर, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी C1 C2 किसके इक्वल हो जाए, ये R1 है और ये R2 है, R1 प्लस R2 के, तब ये क्या हो जाएगा, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 में, ये क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 10 सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है, दोनों सर्कल्स के सेंटर निकालो, दोनों सर्कल के रेडियस निकालो, और लिख लीजिएगा टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली ओनली इफ C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो C1 C2 आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा LHS लेके, और फिर R1 प्लस R2 निकाल लीजिएगा, इफ़ दे आर इक्वल देन दो टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली,
Now see question number, last question of the exercise 23. What is it? The measure of each side of the square ABCD is A units. Supposing AB and CD are the axis of X and Y. आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की दो साइड्स एक एक्स एक्सिस पे है और दूसरी वाई एक्सिस पे है. शो डेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल स्क्राइबिंग द स्क्वायर. इसमें भी आपको यही करना है बेटा कि मैं पहले सर्कल बना रही हूँ, हालांकि बाद में सर्कल बनाना चाहिए आपको. स्क्वायर के सर्कम स्क्राइब करता हुआ सर्कल जो है, मतलब सर्कल के बाहर, स्क्वायर के बाहर जो सर्कल है उसकी इक्वेशन बतानी है. ये आपका स्क्वायर, ये रेक्टेंगल बन गया है पर ये एक्चुअली स्क्वायर है. नाम नहीं दिया, दिया है ए बी सी और ए डी. और आपको बोला है ए बी जो है उसकी एक्स एक्सिस पे है और ए डी का है उसकी वाई एक्सिस पे है. तो आपको सर्कल के साइड दे रखे, सॉरी स्क्वायर की साइड दे रखी है ए यूनिट्स. इफ़ यू हैव गिवन द ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए यूनिट्स और ए ए ए बी इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड ए डी इज़ ऑन वाई एक्सिस. सो ए आपका कहाँ होगा? ओरिजिन पे. बी कहाँ हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे ए कॉमा जीरो. डी आपका हो जाएगा वाई एक्सिस पे, तो जीरो कॉमा ए. और सी आपका स्पेस में है तो ए कॉमा ए. तो इसको लिख लीजिए जरा, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है. सीन्स ईच साइड ऑफ स्क्वेयर ए यूनिट्स एंड साइड इज ए बी इज ऑन एक्स एक्सिस एंड साइड ए डी इज ऑन वाई एक्सिस. सो ए इज एट ओरिजिन. ए ओरिजिन पे आ जाएगा और ए के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 0, 0 और बी के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 1, 0. सी के डी के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 0, a और बचा सी. सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, a. नाउ बेटा अब आपके पास चार पॉइंट्स हैं जहाँ से सर्कल पास कर रहा है, 1, 2, 3, 4. अभी आपने जब क्वेश्चन नंबर 15 में देखा था तो अगर आपके पास तीन ही पॉइंट्स हैं जहाँ से सर्कल पास कर रहा है तब भी हम सर्कल की इक्वेशन निकाल लेते हैं. अभी तो आपके पास चार पॉइंट्स आ गए, तो चार पॉइंट्स आ गए तो आप सर्कल की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो. ये वाला मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास. तो आपके पास चार पॉइंट्स हैं सर्कल की इक्वेशन निकालना तो और ईजी हो जाएगा. तो आप पहले लिख लीजिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग स्क्वेयर, लेट कर रहे हैं बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0. आप जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी. यू डोंट हैव द इक्वेशन. वन पासिस थ्रू, पहला पॉइंट हम 0, 0 ले लेते हैं तो और इजी हो जाएगा. वन पासिस थ्रू 0, 0 तो आपके पास हो जाएगा ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो सिर्फ सी बचेगा, सी इक्वल्स टू 0. गिव इट सेकेंड. अगेन वन पासिस थ्रू, अब हम रख लेते हैं 1, 0. आपके पास चार पॉइंट्स हैं बेटा, कोई भी तीन पॉइंट्स आप ले सकते हैं. 1, 0 लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ag प्लस सी इक्वल्स टू 0. सी की वैल्यू 0 रख लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ag इक्वल्स टू 0/2. तो यहाँ से आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी, g इज माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, डेट इज माइनस ए अपॉन 2. इसी तरह वन पासिस थ्रू 0, a ले लेंगे. अगेन वन पासिस थ्रू 0, a तो क्या आ जाएगा? एक्स ए नहीं, ए स्क्वेयर प्लस 2af प्लस सी इक्वल्स टू 0. सी ऑलरेडी 0 है तो ए स्क्वेयर प्लस 2af इक्वल्स टू 0/2. तो f की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, वो भी आ गई आपकी माइनस ए बाय 2. नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ g, यू हैव द वैल्यू ऑफ f, यू हैव द वैल्यू ऑफ c. पुटिंग इन वन तो आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी. व्हाट इज इट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस ए बाय 2 इंटू वाई.
एंड सी इज ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो. सो क्या बन गई आपकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. अब आप सोचो कि चौथा पॉइंट ए कॉमा एक क्यों नहीं रखा, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी. आप चाहें तो वो पॉइंट रख लेते और कोई और छोड़ देते, तो एक्चुअली आपको कोई भी तीन पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन मिल जाती है. नाउ तो एक्सरसाइज हैज़ बीन कम्प्लीटेड. उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे.